हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग की कंपनी ला या फिर कंपनी लाइन से कैसे प्रैक्टिस की क्लासेस चल रही थी? इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो संचालक मंडल होता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो किस तरह से उनकी नियुक्ति होती है, उनके बारे में समझा था। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि क्या उनके पावर्स होती हैं, क्या उनके राइट्स होते हैं, क्या उनकी ड्यूटीज होती हैं, कर्तव्य क्या होते हैं। ये आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक अलग से प्ले लिस्ट बनी है, उसमें सारी वीडियोज आपको एक साथ मिल जाएंगी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी कि लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। संचालक मंडल क्या होता है ये तो आपको समझ में आ ही गया है। क्या इनके पावर्स होते हैं, क्या इनके राइट्स होते हैं, क्योंकि पावर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि संचालक क्या कर सकते हैं। क्योंकि ये कंपनी कृत्रिम व्यक्ति तो है, आर्टिफिशियल बॉडी तो है, लेकिन उसके हाथ पैर तो होते नहीं कि अपने काम खुद करे। उनके काम कौन करता है? संचालक करते हैं। जो डायरेक्टर्स होते हैं वो करते हैं। तो डायरेक्टर्स के कुछ राइट्स भी होते हैं, तो दो तरह के हो जाएंगे। एक होते हैं उनके सामान्य यानी कि जनरल पावर्स जो होती हैं, एक कुछ और हो जाएंगे स्पेसिफिक पावर्स, विशेष अधिकार। तो क्या होते हैं इनके सामान्य अधिकार? पहला अधिकार हो जाएगा कि कंपनी के सभी अधिकार संचालक मंडल के पास होना, कि एक कंपनी के जितने भी राइट्स होते हैं, जितने भी शक्तियां कंपनी के पास होती हैं निगमन के बाद, वो तो सारी राइट्स को यूज करने का जो अधिकार होता है वो किसका होता है? संचालक मंडल का होता है। उन सारे राइट्स को वो यूज कर सकते हैं, वो सारे काम वो कर सकते हैं जो एक कंपनी कर सकती है। दूसरा हो जाएगा संचालक द्वारा अधिकार के प्रयोग करने में अंशधारियों को बाधा डालने का अधिकार ना होना। तो जो भी अधिकार हैं कंपनी के, उनको प्रयोग जो संचालक कर रहे हैं, डायरेक्टर्स कर रहे हैं, तो जो अंशधारी होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, वो उस प्रयोग में किसी भी तरह का कोई भी बाधा नहीं डाल सकते या कोई भी उन पर कमेंट्स नहीं कर सकते कि आप इस तरह से कार्य नहीं कर सकते या ऐसा कार्य नहीं कर सकते। अगर अधिकृत है वो कार्य कंपनी की जो पार्षद सीमा नियम अंतरनियम बने हैं उसके अनुसार, तो वो सारे कार्य संचालक मंडल कर सकता है। फिर आ जाता है संचालकों को कंपनी के अधिकारियों पर नियंत्रण करने का अधिकार। कि जो कंपनी के अधिकारी हैं, हाँ, जो क्योंकि इससे संचालक ही तो कंपनी को नहीं चलाएंगे, क्योंकि एक बड़ी कंपनी अगर है तो उसमें बहुत से मैनेजमेंट के भी होते हैं, ऑफिसर्स भी रखे जाते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके हेड होते हैं, तो काफ़ी अलग अलग डिवाइड करके एक पूरी कंपनी बनती है। तो उनमें जो और अधिकारी होते हैं उन पर नियंत्रण करने का, कंट्रोल करने का भी राइट किसका होता है? संचालकों का ही राइट होता है। संचालक नाम से क्लियर है, जो कंपनी का संचालन कर रहे हैं, तो कंपनी का संचालन कितने भी अच्छे ढंग से हो सके, जितने भी अच्छे ढंग से हो सकेगा, वो सारे काम करने का राइट किसके पास हो जाएगा? संचालकों के पास हो जाता है। जिसमें इन्होंने दो पॉइंट दे रखे हैं कि लेखाकरण की पुस्तकें और अन्य पुस्तकें तथा पत्र कार्यालय समय की अवधि में निरीक्षण करने का अधिकार संचालकों को है। लेखाकरण यानी जो अकाउंट से रिलेटेड, जो अकाउंटिंग का काम होगा, उससे रिलेटेड जो भी बुक्स हैं, वो सारी बुक्स को देखने का, उनको प्रॉपर ढंग से रखा गया है या नहीं रखा गया है, अकाउंट सही से बनाए गए हैं, इन सब को देखने का राइट्स होता है उनके पास संचालकों की। दूसरा पॉइंट, प्रत्येक संचालक को संचालकों की प्रत्येक सभा का नोटिस पाने का अधिकार है। यानी कि जो डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, आगे चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे कि डायरेक्टर्स की कौन सी मीटिंग होती है, एक कंपनी की कौन सी मीटिंग्स होती हैं, उसमें डायरेक्टर्स की भी आती हैं, अधिकारियों की भी आती हैं, अलग अलग तरह की आती हैं, आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर्स में। तो उन सभा का नोटिस पाने का अधिकार जो होगा वो प्रत्येक संचालक को होता है। यह नोटिस ऐसे संचालक को जो उस समय भारत में है लिखित रूप में दिया जाना चाहिए। यानी कि ऐसा संचालक जो इंडिया में है, रिटर्न तौर पर उसको मिलना जरूरी होता है। ये भी उसके पास एक शक्ति है, अधिकार है उसका। फिर आ जाते हैं विशेष अधिकार। कौन से विशेष अधिकार होते हैं? कि ये कहा जाता है कि संचालक अपनी कार्यवाहियाँ संचालक मंडल के रूप में ही कर सकते हैं। यानी कि जो संचालक होते हैं उनको मिलाकर ही क्या बनता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनते हैं, संचालक मंडल बनते हैं। इसमें एक क्या होता है? एक प्रबंध संचालक होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। इनको मिलकर ही क्या बनता है? संचालक मंडल। तो अब इनके विशेष अधिकार जो है वो भी इसी तरह से ही पूरे होते हैं। क्या है विशेष अधिकार देखते हैं ये। जो विशेष अधिकार होते हैं इनके, इसमें पहला हो जाएगा अंशधारियों से योजनाओं की मांग करना। पहला इनका होता है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जैसे पहले ही मैंने जो शेयर कैपिटल चैप्टर था वहाँ पर आपको पूरा डिटेल में समझाया था कि जो अंशधारी होते हैं उनसे जो अंशों का राशि होती है, अंशों की, वो पूरी एक साथ नहीं ली जाती। जैसे कि 100 रुपये का एक अंश है तो सबसे पहले कुछ जो अमाउंट होता है एप्लीकेशन मनी के तौर पर होता है, फिर अलॉटमेंट जब किया जाएगा उनको अंशों का, तब कुछ राशि दी जाएगी। उसके बाद
जब भी कंपनी को आवश्यकता होती है तो कंपनी अपने अकॉर्डिंग क्या करती है, याचनाएं करती है, कॉल्स करती है। तो जब कंपनी जो याचनाएं कर रही है उन याचनाओं को अंशधारियों से प्राप्त करने का अधिकार होता है संचालकों का। दूसरा हो जाएगा कंपनी की प्रतिभूतियों को वापस खरीदना, कि जो भी कंपनी की सिक्योरिटीज होती हैं उनको वापस, इसमें बाय बैक ऑफ शेयर्स आते हैं, इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी हैं कि सब तरह के नहीं कर सकते हैं। इसको मैं प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ आपको, जहाँ पर हमने शेयर्स के बारे में पढ़ा था, तो उसका अधिकार भी होता है जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनका। फिर आ जाएंगे प्रतिभूतियाँ जारी करना, जिनमें ऋण पत्र भी शामिल हैं, ये चाहे भारत में किया जाए या भारत के बाहर। ये जो सिक्योरिटीज़ होती हैं जिसमें डिबेंचर्स भी आते हैं, एक तो अंश पूंजी होती है और दूसरे ऋण पत्र के थ्रू भी कंपनी अर्न करती है पूंजी को। जो ऋण पत्र होते हैं, जो डिबेंचर्स होते हैं, उनकी राशि को लेने का भी या उनको जारी करने का अधिकार भी संचालकों का होता है। धन उधार लेना, कंपनी के धन का निवेश करना, कि जो भी बारो की है मनी या फिर जो लोन लिया गया है उसको कहाँ इन्वेस्ट किया जाएगा, किस तरह से किया जाएगा, ये सारे डिसीजंस भी संचालक लेते हैं। फिर आ जाएगा ऋण प्रदान करना या उसकी गारंटी देना, ऋणों की प्रतिभूति देना, वित्तीय विवरणियों व संचालक मंडल की रिपोर्ट का अनुमोदन करना, कंपनी के व्यापार का विस्तार करना, समामेलन, विलयन तथा पुनर्गठन का अनुमोदन करना। तीन पॉइंट होते हैं, एक होता है अमलगमेशन, दूसरा होता है मर्जर और एक आ जाता है रिकंस्ट्रक्शन। अमलगमेशन, समामेलन, जब कई कंपनियों, एक कंपनी का दूसरी कंपनी में जो आपस में मिल जाती है तो समामेलन हो जाता है। फिर आ जाता है विलयन, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी में मिल जाती है। पुनर्गठन, जब अपनी ही कंपनी को जो है पुनर्गठित किया जाता है, दो तरह से होता है, एक होता है जो बाह्य पुनर्गठन होता है, एक आंतरिक होता है। फिर आ जाएगा किसी कंपनी का अधिग्रहण करना या अन्य कंपनियों पर नियंत्रण ग्रहण करना या अन्य कंपनी में काफ़ी मात्रा में हित प्राप्त करना। ये सारे क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं विशेष अधिकार जो कि जो संचालक मंडल होते हैं उनको प्राप्त होते हैं। तो ये अधिकार तो हमें समझ में आ गया कि क्या अधिकार होते हैं संचालक मंडल के। अब आइए इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो संचालक मंडल होते हैं उनके क्या कर्तव्य होते हैं, ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स। क्योंकि जब अधिकार होते हैं तो जिस तरह से आप लोग हैं, हम लोग जो सिटीजन हैं, तो सिटीजन के कुछ राइट्स हैं तो उनकी कुछ ड्यूटीज भी बनती हैं। इसी तरह संचालक मंडल के भी जो राइट्स होते हैं साथ साथ उनकी कुछ ड्यूटीज भी बनती हैं। क्या ड्यूटीज होती हैं आइए देखते हैं। पहली ड्यूटी हो जाती है कि अंतरनियम के अनुसार संचालकों के कर्तव्य। कि जो अंतरनियम है, एक आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतरनियम। तो पार्षद सीमा नियम के अनुसार या फिर पार्षद अंतरनियम में यहाँ पर पूछ रहा है, तो यहाँ पर अंतरनियम के अनुसार संचालकों के कर्तव्य कंपनी के व्यापार की दशा व आकार आदि पर निर्भर करते हैं। यानी कि जिस तरह की कंपनी खोली गई है, किस कार्य से, किस उद्देश्य से खोली गई है तथा उनका आकार क्या है, यानी कि SSI कुछ यूनिट्स होती हैं, स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस होते हैं, कुछ लार्ज स्केल इंटरप्राइजेस होते हैं, किस तरह की कंपनी है उस पर डिपेंड करता है उनके कर्तव्य किस तरह के होंगे। दूसरा जाता है कि कंपनी अधिनियम के अनुसार संचालकों के कर्तव्य, कि जो कंपनीज एक्ट है 2013 उसमें किस तरह के उनके कर्तव्य हैं। तो पहला हो जाएगा अंतरनियमों का पालन करना, सत्यनिष्ठापूर्ण ढंग से कार्य करना, उचित क्रमता दक्षता व चातुर्य से कार्य करना, कंपनी के हितों से विरोधात्मक परिस्थिति में ना होना, कोई अनधिकृत लाभ प्राप्त ना करना, पद का हस्तांतरण नहीं, यानी कि जो भी उनका पद है वो किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते, वो क्या कर सकते हैं, अपना पद छोड़ सकते हैं, रिजाइन कर सकते हैं, तो दूसरी तरह उनका पद दूसरी तरह से भरा जाएगा, कैसे भरा जाएगा, कैसे नियुक्ति होगी, ये मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियो पढ़ा चुकी हूँ। तो लेकिन वो अपना पद, जैसे कि अंश होते हैं, शेयर्स होते हैं, ट्रांसफरेबल होते हैं, ट्रांसफर किए जा सकते हैं, लेकिन वो अपना पद जो है वो ट्रांसफर नहीं कर सकते। विवरण की सत्यता को देखना, विवरण पर हस्ताक्षर करना, वार्षिक विवरण पर हस्ताक्षर करना। ये प्रॉस्पेक्टस क्या होता है, जब भी कंपनी का सम्मेलन हो रहा होता है तो वहाँ पर इस प्रॉस्पेक्टस को भी उसमें दिखाया जाता है, जो बुक्स इंपॉर्टेंट होती हैं, डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। वो डिपेंड करता है कंपनी किस तरह की, प्राइवेट है, पब्लिक कंपनी है, जनता से अंशों द्वारा पूंजी लेना चाहती है या नहीं लेना चाहती, डिपेंड करता है सिचुएशंस पर। फिर आएगा लाभांशी घोषणा तथा भुगतान करना, वार्षिक खातों को पेश करना, लाभानी खाता और चिट्ठे को प्रमाणित करना संचालकों का कर्तव्य। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, जो संचालक होते हैं उनके कर्तव्य हैं, यानी कि वही सारे काम जो एक कंपनी में होते हैं, जिससे कंपनी का संचालन होता है, कंपनी चलती है,
तो सारे काम करना क्या है, संचालकों का कर्तव्य हो जाएगा। आपकी समझ में आ गया होगा कि कर्तव्य क्या होता है। अब आइए देखते हैं कि जो संचालक होते हैं उनके क्या दायित्व होते हैं। क्योंकि कर्तव्य तो ये हो जाएंगे कि कर्तव्यों के लिए उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता या किसी भी तरह का उन पर कोई भी लीगल इशू नहीं क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन जो संचालकों के कर्तव्य हो लेकिन जो संचालकों का दायित्व बनता है, दायित्व बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दायित्व अगर उन्होंने पूरा करने में किसी तरह की चूक करी तो वहां पर उनके पास लीगल जो होता है वो दायित्व बनता है। आइए देखते हैं दायित्व क्या है। जैसे कि एक आप देख रहे हो यहाँ पर किसी पक्षकार के प्रति, कंपनी के प्रति, आपराधिक कार्यों के लिए दायित्व और असीमित दायित्व। तो इसमें आपके जो कंपनी के प्रति उसको डिवाइड किया गया है लापरवाही के लिए, परनाश तोड़ने के लिए, कर्तव्य भंग के लिए, अधिकारों के बाहर हुए कार्यों के लिए और कपट के लिए। ये इतनी हेडिंग से समझ लीजिए, इसके अंदर आपको समझना होगा कि कौन कौन से दायित्व एक संचालक के कंपनी के प्रति बन रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं इसको डिटेल में। तो पहला पॉइंट है इसमें कि तीसरे पक्षकारों के प्रति संचालकों का दायित्व। तो तीसरे पक्षकार होता कौन है? तीसरा पक्षकार कौन हो जाता है कि जो बाहरी व्यक्ति होते हैं या फिर अंशधारी जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, तीसरे पक्षकार होते हैं। तो जब संचालक अपने अधिकारों की सीमाओं के बाहर कार्य करते हैं कि जो उनके राइट्स हैं, अभी आपने अधिकार जो पढ़े हैं उन अधिकारों के बाहर जो काम करते हैं तो वो उत्तरदायी होते हैं बाहरी व्यक्तियों के प्रति। परंतु हर सिचुएशन में नहीं होते। वो कौन से ऐसे सिचुएशन है जब वो उत्तरदायी होंगे और कब नहीं होंगे, आइए देखते हैं। तो पहली सिचुएशन है अधिकारों के बाहर कार्य करने पर। एक अधिकारातीत का सिद्धांत आपको मैंने पढ़ाया था इससे प्रीवियस वीडियोज में, जहाँ पर हम पढ़ रहे थे सीमा नियम के बारे में, पार्षद सीमा नियम जो होता है, वहाँ पर मैंने आपको को ये सिद्धांत पढ़ाया था कि कुछ ऐसे काम होते हैं जो अधिकारों के बाहर माने जाते हैं। तो अगर ऐसे कार्य करे हैं जो संचालक है उन्होंने कि जो कंपनी के पार्षद सीमा नियम के अंतर्गत नहीं बताए गए थे और किए हैं, तो वहां पर जो संचालक होंगे वो व्यक्तिगत तौर पर उत्तरदायी होते हैं तीसरे पक्षकार के प्रति। दूसरा आ जाता है अपने नाम में अनुबंध करना। उनका काम होता है कि कंपनी के नाम से हर कार्य को करें, अपने नाम से कुछ उनको नहीं करना होता है। वो कंपनी के ही एक तरह के एजेंट की तरह होते हैं, तो कंपनी की तरफ से उनको अनुबंध करना होता है। तो अगर वो अपने नाम से कर रहे हैं और उससे कोई क्षतिपूर्ति हुई है तो वहां पर भी वो उत्तरदायी होते हैं। फिर आएगा अभिकर्ता कितना बाहरी व्यक्तियों के प्रति उत्तरदायित्व। जब वो एजेंट की तरह कार्य करते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया ही है कि जो अपने एजेंट की तरह कार्य कर रहे होते हैं कंपनी के, तो बाहरी व्यक्तियों के प्रति उत्तरदायी होंगे। आवंटन न होने पर प्राप्त धन लौटाने के लिए, कि जो अभी शेयर्स के बारे में मैंने आपको समझाया था कि कुछ एप्लीकेशन मनी होती है, कुछ अलॉटमेंट में होता है, तो अगर जो आवंटन नहीं किया गया है, कुछ शेयर्स ऐसे हैं जिनको आवंटित ही नहीं किया गया किसी व्यक्ति को, तो जो भी अमाउंट रिसीव हुआ है उनको वापस लौटा दिया जाता है। अगर उस धन को वापस नहीं लौटाते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो उत्तरदायी होते हैं व्यक्तिगत तौर पर। फिर आएगा प्रोलर में मिथ्या वर्णन के लिए दायित्व, कि जो प्रोस्पेक्टस है, जिस तरह एक स्कूल का प्रोस्पेक्टस होता है कॉलेज में, आप लोगों को बुकलेट मिलती है उसमें कॉलेज के बारे में सारी डिटेल्स दे रखी होती है, इसी तरह एक कंपनी का भी प्रोस्पेक्टस होता है, उसमें प्रोस्पेक्टस में उसकी सारी डिटेल्स दे रखी होती है कंपनी की। लेकिन अगर उसमें किसी तरह की कोई गलत डिटेल दी गई उसके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल है नहीं, जो प्रोस्पेक्टस के संचालकों ने बनाया था। संचालक जो भी उससे सम्मिलित होंगे वो उत्तरदायी होंगे। फिर आ जाता है यदि जहाँ जरूरी हो वहाँ मान्यता प्राप्त स्तंभवर्णी से आज्ञा प्राप्त नहीं की गई हो, स्टॉक एक्सचेंज से में लिस्टेड कराना है अगर अंशों को नहीं कराया गया है। फिर आएगा यदि आवेदन करने वाले को उतने अंशों से कम अंश आवंटित किए गए हैं जिनके लिए उन्होंने आवेदन पत्र दिए थे और बाकी की जो राशि है उनको नहीं लौटाई गई है तब। फिर आ जाता है आवंटन के नियमों के उल्लंघन करने पर, ये हो जाते हैं तीसरे पक्षकार के प्रति उत्तरदायित्व। अब आ जाएगा नेक्स्ट कि कंपनी के प्रति संचालकों का दायित्व है, कि जो कंपनी के वो मेन हैं जिसके लिए काम कर रहे हैं उसके लिए क्या उत्तरदायित्व है। लापरवाही के लिए, फॉर निगलेंस, अगर किसी भी तरह की कोई लापरवाही कर रहे हैं और उससे कंपनी को नुकसान पहुंचता है तो वहां पर भी जो संचालक होते हैं वो उत्तरदायी होते हैं। फिर नाश तोड़ने के लिए दायित्व, लायबिलिटी फॉर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, कि कंपनी का एक और जो उसके संचालक होते हैं एक विश्वासीय संबंध होता है, विश्वास पर डिपेंड करता है, तो अगर वो इसका विश्वास कंपनी का तोड़ते हैं किसी बिना कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे कंपनी को हानि पहुंच रही है, तो वहां पर भी उनका उत्तरदायित्व बनता है। फिर आ जाता है कर्तव्य भंग करने के लिए, लायबिलिटी फॉर मिसडेसेंस, मतलब कहने का ये है कि जो काम करना था कर्तव्य था उनका उस कार्य को करने का उन्होंने वो कार्य नहीं किया है। कर्तव्य किन काम को करने का है अभी आप पढ़ चुके हैं फिर इससे पहले कि क्या कर्तव्य होते हैं। जैसे यहाँ पर उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि बिना न्यूनतम अभिदान प्राप्त किए अंशों का आवंटन करना,
की न्यूनतम अवदान प्राप्त करने के बाद ही अंशों को आवंटित किया जाता है, लेकिन उससे पहले कर देते हैं, जो भी लीगल लाइबिलिटी बनती होगी उसके लिए वो संचालक व्यक्तिगत तौर पर उत्तरदायी होंगे। अधिकारों के बाहर किए हुए कार्यों के लिए उत्तरदायित्व, कपट के लिए दायित्व, लाइबिलिटी फॉर फ्रॉड, अगर किसान का फ्रॉड कर रहे हैं, कोई त्रुटि जानबूझ करके कर रहे हैं, ऐसे तो कोई त्रुटि अज्ञातवश हो जाती है तो उसके लिए दायित्व नहीं होता, लेकिन जानबूझ करके कोई तो काम किया गया जो कि पता था कि करने के लिए आपका का अधिकार नहीं है, या फिर कंपनी के जो पार्षद सीमा न्याय में उसकी अनुमति नहीं देते, तो वहां पर संचालक उत्तरदायी होते हैं। ये हो जाएगा कंपनी के लिए उत्तरदायित्व। फिर आ जाता है आपराधिक कार्यों के लिए संचालकों का दायित्व। आपराधिक कार्य कौन से होते हैं? लाभांश वितरित करना था उनको, डिविडेंड देना होता है, जब लाभांश घोषित किया जाता है तो उसके 30 दिन के अंदर उसका भुगतान भी वितरण भी कर दिया जाता है, लेकिन अगर नहीं किया गया है तो उत्तरदायी होंगे। लाभानि विवरण व चिट्ठा ना प्रस्तुत करने पर कि जो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है या फिर जो बैलेंस शीट बनाई जाती है उसे जो कंपनी की एनुअल मीटिंग्स होती हैं, साधारण सभा होती है, वहां पर प्रस्तुत किया जाता है तो प्रस्तुत ना करने को उत्तरदायी होंगे। संचालकों की रिपोर्ट प्रस्तुत ना करने पर, योग्यता अर्श लेने की घोषणा ना करने पर, 20 से अधिक कंपनियों का संचालक होने पर, एक व्यक्ति कोई भी संचालक जो है वो 20 से अधिक कंपनियों का संचालक नहीं हो सकता, अगर होता है या उस सदस्यता ग्रहण करता है कि संस्था छोड़े बिना, तो वहां पर वो उत्तरदायी होगा। हित प्रकट ना करने पर कि किसी भी अनुबंध में उसका कोई फायदा हुआ है किसी संचालक का और उस फायदे को प्रकट नहीं कर रहा, तो भी उत्तरदायित्व बनेगा। तो ये सारे उत्तरदायित्व तो हो जाएंगे यदि कोई संचालक संचालक मंडल को उन कार्रवाई में भाग लेता है जो ऐसे अनुबंध से संबंधित है तो उसका स्वार्थ था, वहां पर उत्तरदायी होगा। ये सारे क्या हो जाते हैं? आपराधिक कार्यों के लिए उत्तरदायित्व तो होंगे। अब हमने समझ लिया कि जो संचालक होते हैं उनके क्या दायित्व तो होते हैं। अब हम देखेंगे कि जो प्रबंधकीय संचालक होता है यानी जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि प्रबंधकीय जो संचालक होता है उसका पारिश्रमिक किस तरह से डिसाइड किया जाता है, तो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो प्रबंधकीय पारिश्रमिक होता है, मैनेजरियल रिमुनरेशन होता है, वो क्या रहेगा कि कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पब्लिक कंपनी में प्रबंधकीय पारिश्रमिक की उच्चतम सीमा निर्धारित की गई है और साथ ही साथ विभिन्न प्रबंधकीय व्यक्तियों के पारिश्रमिक को भी विनियमित किया गया है, तो उनका क्या आधार है, वो आधार दे रखा है। पहला है पॉइंट इसमें कि कुशल प्रबंधन को प्रोत्साहन देना, क्योंकि अगर एक अच्छा ढंग का पारिश्रमिक नियुक्त होगा तो जो भी प्रबंधक हैं काम कर रहे हैं उनको भी काम करना अच्छा लगेगा और उनको काम करने के लिए वो अच्छा से मोटिवेट भी होंगे। दूसरा है कि ये सुनिश्चित करना कि प्रबंधकीय व्यय कंपनी के साधनों में लाभ अर्जित करने की सामर्थ्य से अधिक या असंगत ना हो, तो उनको उतना ही रिमुनरेशन दिया जाए या फिर उनको इतना ही एक्सपेंस किया जाए जो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बेयर कर सके। फिर आएगा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत उपबंधित नीति निर्देशक तत्वों पर अमल करना, संविधान सरकार के ऊपर यह दायित्व वो सौंपते हैं कि वह अर्शक्ति के केंद्रीकरण के विरुद्ध आवश्यक कदम उठाए, क्योंकि जो प्रबंध संचालक होते हैं, जो MD होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, उसके हाथ में ही सारी शक्ति केंद्रित होती है, पूरी तरह से ज्यादातर जो राइट होता है उसी के हाथ में होता है, तो वहां पर उसको इतना ज्यादा भी रिमुनरेशन नहीं देना चाहिए या इतना ज्यादा भी अधिकार नहीं दे देने चाहिए कि शक्ति का केंद्रीकरण हो जाए, यानी उसी के हाथों में सारी चीजें क्या हो सिमट कर रह जाए। तो इसके लिए क्या किया गया है कि कंपनी अधिनियम की जो धारा 197 है उन्होंने प्रबंधकीय पारिश्रमिक की अधिकतर न्यूनतम सीमाएं निर्धारित कर दी है कि इससे अधिक या इससे कम उनको रिमुनरेशन नहीं दिया जाएगा। क्या है ये देखते हैं कि संचालक पूर्णकालिक संचालकों तथा प्रबंध संचालकों के पारिश्रमिक का निर्धारण कंपनी के अंतरनियम या साधारण बैठकों में सामान्य प्रस्ताव द्वारा किया जाएगा। यदि अंतरनियम में पारिश्रमिक का निर्धारण विशेष प्रस्ताव द्वारा होना है तो इसे विशेष प्रस्ताव द्वारा ही निश्चित किया जाना चाहिए, परंतु यह अधिनियम में निर्धारित सीमा से अधिक नहीं हो सकता, यानी कि जो कंपनी अधिनियम में जो सीमा निर्धारित की गई है उसी सीमा के अंतर्गत जो कंपनी की साधारण सभा होती है उसमें डिसाइड किया जाएगा कि उन्हें कितना पारिश्रमिक दिया जाएगा। अब पारिश्रमिक का आशय क्या है कि निःशुल्क मकान, यानी कि सिर्फ कैश में पेमेंट ही नहीं दिया जाता, उसके साथ और भी बहुत सी चीजें दी जाती हैं। क्या दिया जाता है ये देखते हैं। रहने के लिए निःशुल्क मकान की सुविधा दी जाती है। कंपनी द्वारा संचालक और प्रबंधक को अन्य कोई लाभ की सुविधा निःशुल्क या रियायती दर पर देने का, यानी कि निःशुल्क दी जाती है कोई लाभ और किसी भी तरह का, जैसे कार की सुविधा दी जा सकती है निःशुल्क दी जाती है या फिर बहुत ही रियायती दर पर प्रोवाइड कराई जाएगी। कंपनी द्वारा संचालक या प्रबंधक की ओर से किया गया कोई व्यय जिसे यदि कंपनी ना करती तो कर्मचारी को स्वयं करना पड़ता तो वो भी प्रोवाइड कराया जा सकता है।
कंपनी द्वारा स्वयं संचालक, प्रबंधक एवं उनकी पत्नी और बच्चों के जीवन बीमा, यानी कि जो भी जो एम्प्लॉय है उसकी जो फैमिली है उनका लाइफ इंश्योरेंस, पेंशन, ग्रेजुटी, ये सारी चीज़ें भी जो भी एक्सपेंसेस होंगे इससे रिलेटेड वो भी कंपनी वहन कर सकती है। ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, रिमुनरेशन में इंक्लूड की जाती हैं, यानी कि सिर्फ कैश में नहीं दिया जाता उनकी सैलरी को, ये सारी चीज़ें भी प्रोवाइड कराई जाती हैं। अब नियम क्या है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। पहला नियम क्या है कि सब संचालकों को मिलाकर अधिकतम 11% पारिश्रमिक ये कंपनी में जितने भी संचालक हैं उन्हें किसी वित्तीय वर्ष में, किसी फाइनेंशियल ईयर में जो भी कंपनी का लाभ होगा, नेट प्रॉफिट होगा, उसके 11% से ज़्यादा क्या नहीं दिया जाएगा, पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। यानी जो कंपनी का प्रॉफिट हुआ है उसके 11% तक ही जितने भी संचालक हैं उनको पारिश्रमिक दिया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं दिया जा सकता। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर पूछा जाता है कितने प्रतिशत तक, तो 11% तक है। फिर आ जाएगा किसी एक संचालक को अधिकतम 5%, यानी एक संचालक को ज़्यादा से ज़्यादा 5% तक ही देंगे, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। फिर आएगा यदि एक से अधिक प्रबंध संचालक या पूर्वकालिक संचालक हो तो 10%, यानी कि अगर मैनेजिंग डायरेक्टर एक से ज़्यादा हैं तो वहाँ पर टोटल 2% से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता। मेन ये जो पूछा जाता है ये 11% ही पूछा जाता है। अगर ऑब्जेक्टिव पेपर आपका हो रहा है तो वहाँ पर सीधे सीधे पूछा जाता है कितना अधिकतम रहेगा, आंसर होता है 11%। तो यहाँ पर हमने समझ लिया कि जो रिमुनरेशन होता है वो प्रबंध संचालक को 11% से ज़्यादा नहीं दिया जाता। यही मेन आपका एग्जाम में पूछता है, यही आपका आंसर भी हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा, आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि संचालकों के अधिकार क्या होते हैं, उनके कर्तव्य क्या होते हैं और साथ ही उनके दायित्व क्या होते हैं, और जो प्रबंध होता है, जो प्रबंध संचालक होता है उसको क्या पारिश्रमिक दिया जाता है। तो यहाँ पर चैप्टर आपका कम्प्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो आपकी रहेगी, इसमें हमारा जो चैप्टर है वो रहेगा प्रबंध संचालक या पूर्णकालिक संचालक या फिर प्रबंधक एवं कंपनी सचिव, मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर एंड कंपनी सेक्रेटरी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।